नमस्कार दोस्तों, जय मां काली, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, उस परम पिता परमात्मा की ये दया है, इसे ध्यान से सुनिएगा। साधु संत ये बात बोल रहे हैं कि हे महाराज, इस संसार में कलयुग लग गया है, यानी कि कलयुग अब चल रहा है और कलयुग के लोगों की बुद्धि अधर्म में ज़्यादा लग जाएगी। दोस्तों, इसका प्रभाव आपकी राशि वाले जातकों के ऊपर भी काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, धर्म में कमी आ गई है और दोस्तों कलयुग के व्यक्ति की उम्र भी कम है, इसलिए दोस्तों आप हमें कृपा करके बता दें कि कलयुग के मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। दोस्तों, जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। हम और आप कहाँ रहते हैं? हम सतयुग के नहीं हैं और ना ही द्वापर युग के और ना ही हम त्रेता युग में रहते हैं। दोस्तों, हम लोग कलयुग के हैं और कलयुग के जीवन की जो उम्र है वो बेहद ही कम हो चुकी है। कहने को है 100 वर्ष, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि क्या आप इस चीज़ को जानते हैं कि कोई आपके जान पहचान में ऐसा व्यक्ति है जो 100 वर्ष से अधिक जिया हो? शायद आपका जवाब होगा नहीं। हम आप सभी को बता दें कि हम अपने जीवन में बहुत सारी जगह घूमे हैं और हमने वहाँ केवल 2-4 लोगों को ही देखा होगा कि वो 100 साल जी चुके हैं। सिर्फ 2 या 4 लोग गिनती के होंगे। क्या आपने अपने आसपास किसी व्यक्ति को 100 साल जीते हुए देखा है, या फिर आपके आस पड़ोस में भी यदि कोई हो उसे आपने 100 साल जीते हुए देखा है? दोस्तों, हम पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं कि केवल आपने 1 या फिर 2 आदमी 100 वर्षों तक जीते हुए देखे होंगे। और दोस्तों, कहने को है मनुष्य की 100 साल की उम्र, लेकिन वो जीते हैं 60-70 साल या फिर 80 साल। दोस्तों, ये केवल हो रहा है आपकी राशि में उत्पन्न कुछ बड़े दोषों के कारण। दोस्तों, यदि कोई 80 साल भी कोई व्यक्ति पार कर देता है तो फिर भी 90 सालों के नीचे नीचे तक ही रहता है, वह 100 साल पार नहीं कर पाता है। एक छोटी सी उम्र में एक व्यक्ति अपने परिवार को पाले, या फिर वो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण करे, या फिर मानव जीवन के लक्ष्य को पाए। हे महाराज, कलयुग का व्यक्ति कल्याण कर सकेगा, ऐसा आप हमें कोई उपाय ज़रूर बताएं। दोस्तों, जब ये बात बोली तो ये बात सुनने के बाद में वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे वो हैरान से जानने लगे कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, इस जीवन में 2 प्रकाश होते हैं। परमात्मा का वो प्रकाश जो हमारे जीवन के बाहर प्रकाश करता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि आप केवल 5 मिनट सोच कर देखिए कि आपके तन के अंदर ज़्यादा अंधेरा है या फिर तुम्हारे तन के बाहर अंधेरा है। दोस्तों, कहाँ अंधेरा ज़्यादा मिल रहा है, तन के बाहर या फिर भीतर आपके अंदर स्वयं? हम आप सभी को ये बात बता दें कि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा बल्ब नहीं बनाया है जो हमारे मन के भीतर जल चुका है। अगर बनाया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, श्री भगवद गीता केवल एक ऐसा बल्ब है कि जो इसमें सच्ची निष्ठा के साथ में इसका श्रवण कर ले तो उस व्यक्ति के मन में कभी भी अंधेरा रह ही नहीं सकता है, और ऐसा प्रकाश है ये भगवद गीता। दोस्तों, लेकिन भगवद गीता की फिर से एक बात आपको बता दें कि नींद तब आती है जब पाप ज़्यादा होता है, आलस्य तब आता है जब पाप ज़्यादा हो जाता है, कथा में मन तब नहीं लगता है जब पाप ज़्यादा होता है। और दोस्तों, यदि पाप ज़्यादा हो तो क्या भागवत गीता सुनने का अधिकार नहीं है? दोस्तों, महाराज बोले कि आपको अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन से लड़ना होगा और मेरे द्वारा भक्त को बताई गई कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, जिसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, जी लेना हर एक लम्हा खुद को गुजरने से पहले। दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी आसान बना ली है कि किसी को माफ़ कर दिया है और किसी से माफ़ी मांग ली है। जहाँ उम्मीद नहीं होती है वहाँ पर तकलीफ़ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती है। हर कोई परेशान हो चुका है मेरे ज़्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूँ केवल अपने अंदर की खामोशी से। मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, केवल और केवल ज़रूरत की होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में इनके लिए सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिसके द्वारा आपके बिगड़े हुए नक्षत्र अब शांत होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आने वाले अगले दिनों में आपके जीवन में कौन सी स्थिति बन रही है और आपके जीवन काल में आपको कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियाँ मिलने वाली हैं और कौन सी बड़ी खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इस समय आप आराम करने तथा हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। ग्रह विचार आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः आपके पक्ष में रहने वाला है और आपके आय मार्ग में दोस्तों इस समय अच्छा रहेगा। नज़दीकी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में खुशनुमा समय व्यतीत होगा और महत्वपूर्ण मुद्दों में भी दोस्तों इस समय आपकी रुचि काफ़ी बेहतर रहने वाली है। अपनी क्षमता की वजह से आपका अहंकार भी इस समय बढ़ रहा है, तो दोस्तों इस पर ध्यान रखें क्योंकि यह आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके उपरांत इस समय आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दूं कि इस समय मिला जुला प्रभाव देने वाला समय होगा और इस समय दोपहर के बाद पूर्णतः स्थिति अनुकूल रहने वाली है। विद्यार्थियों को आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से आप जो है तनाव मुक्त रह सकते हैं। ज़्यादातर पढ़ने पर आप अपने शुभचिंतकों से उचित मदद भी लेने वाले हैं। और दोस्तों, इस समय दिन की शुरुआत में परेशानियां रहने वाली है, परंतु जल्दबाजी या फिर भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें जिसकी वजह से बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। वाहन या फिर अच्छा काम दोस्तों खराब होने से आपको खर्चा आ सकता है। और दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होगा, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होगा, आपको बता दूँ कि परिवार में कोई उच्च शिक्षक या फिर विदेश में कुछ अच्छा करने की अपेक्षा रखता है, तो उसके लिए कोई जो है सहायता की ज़रूरत हो सकती है। और इस समय दूसरों की आर्थिक सहायता करने से पहले अपनी परिस्थिति को भी जान लेना आपके लिए ज़रूरी होगा। दोस्तों, परिवार के लोगों के साथ में स्वरूप से आपको जुड़े रहने की आप कोशिश करते रहें, ये आपके लिए बेहतर होगा। और दोस्तों, इसके उपरांत इस समय आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दूँ कि दोस्तों कुछ समय से जिस सुकून की तलाश आप कर रहे थे दोस्तों, वह इस समय हासिल हो जाएगा और आप प्राथमिक चिंतन द्वारा अपनी जीवन शैली में सुधार लाने की चेष्टा भी करेंगे। घर के व्यवसाय संबंधी कोई रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है, तो दोस्तों इन्हें आप द्वारा शीघ्र करने का उचित समय होगा वह सही रहेगा। दोस्तों, इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़े से संभल कर निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपका भला कर पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।